My question is, if someone has gone through a divorce and is scared to get married again, what is beloved Huzoor's guidance on this? क्या करती हो तुम? I'm in grade 10. Then you should pray for your naik kismat. It should never happen that you ever go through this ordeal. Allah Taala bacha ke rakhe tum logon ko, saron ko, dua karni chahiye. Hame to nahi pata na Allah Taala ki kya marzi hai. बाद में बाद रिश्ते नहीं कामयाब होते तो उस पर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक अगर जो और कोई रिश्ता आया है अच्छा है मेरे लिए तो ठीक है. ऐसे लोग होते हैं एक दो वर्ष तलाक हो गई और बहुत बुरा एक्सपीरियंस था उनका लेकिन दोबारा दुआ करके शादी की अच्छे रिश्ते आए और बड़े खुश लोग हैं. बड़े लोग मुझे मिलते हैं इस तरह के, मुझे लिखते भी हैं. तो दुआ करके अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला सही फैसला करने की तौफीक दे. फिर जो अगर तसल्ली होती है तो वहाँ रिश्ता कर ले, नहीं तो फिर इंतज़ार करे किसी और बेहतर रिश्ते का. ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि शादी कर लो. इस्लाम का यही हुक्म है कि शादी कर लेनी चाहिए मुतलका बेवा को अगर उनकी शादी की उम्र है तो.